बारे जानकारी दो थोड़ा जा, कितों मंगाया ते की तुसी मतलब हमने जी ये बठिंडा से आगे जो राजपुरा है, राजपुरा में वहाँ पे न्यूट्रीमिल का जो वहाँ पे कारखाना फैक्ट्री लगी हुई है, तो न्यूट्रीमिल वालों से हमने 6 रुपए और लगभग 70 पैसे हमारे को उन्होंने पहुँच किए यहाँ पे। ठीक है, लगभग यहाँ से पड़ता है मेरे हिसाब से वो 200 से वो पड़ता है, पावा भी है 200 से वो पड़ता है, इसलिए उन्होंने चार्ज करके जितना उन्होंने हमें मतलब सस्ता भेज सकते थे उतना उन्होंने भेजा है। और बहुत बढ़िया चीज है, अकेला साइलेज भी हमें देना हो जो ज्यादा दूध देने वाला पशु है तो ज्यादा कॉस्ट नहीं आती, बिल्कुल कॉस्ट नहीं आएगी, क्योंकि आजकल का आप जो सूखा चारा है जैसे तूड़ी वगैरह है, ठीक है, सूखी भूसी कह देते हैं हम, जो भूसी है उस भूसी तूड़ी से ये सस्ता पड़ता है। ठीक है, आजकल के रेट में तूड़ी 1000 रुपए पड़ती है पर क्विंटल के हिसाब से बढ़ रही है, लेकिन ये 6 रुपए और 70 पैसे हमारे यहाँ पे पहुँच हो रहे हैं। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे जिन भाइयों के पास खुद की जमीन नहीं है और वो अपना ये धंधा शुरू करना चाहते हैं, पशुओं का धंधा शुरू करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये सबसे बेस्ट है? बिल्कुल जी, नाप तोल के हिसाब से हम उनको डालें तो एक फिक्स डोज जो पशु लेता है हम उसकी फिक्स डोज रख देते हैं, तो पशु उतना खा के संतुष्ट हो जाता है, उतनी तूड़ी और तूड़ी मतलब मिला के जैसे 3 किलो पर काऊ के हिसाब से तूड़ी देनी है हमारे को, उसके हिसाब से ये ज्यादा पशु वाला है तो हम इसको 15 किलो खिला देंगे, कम कर लेंगे उस हिसाब से अपने मेंटेन कर लेंगे। ये कोई दिक्कत नहीं है, जिन भाइयों के पास खुद की जमीन नहीं है वो इससे बहुत अच्छा मतलब बिल्कुल बिल्कुल अच्छा ही। मैंने ये देखो अभी मैंने ये लगभग 12.5 हजार रुपए का मंगवाया, 5 गांठ मंगवाई है और पर गांठ का जो वेट है वो लगभग 4 क्विंटल है। ठीक है, तो अभी मैंने एक गांठ 15-20 दिन हो गए, तो आप उस हिसाब से कम दे रहे हो थोड़ा और हरा चारा साथ में दे रहे हो। लगभग ये मान के चलो कि अपने ये जो एक गांठ है वो तो कहते हैं कि लगभग आप 25 दिन के बीच बीच में इसको खत्म करो, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने यूज किया इसको, वो तो अपनी सेफ्टी के लिए बताते हैं, और हम इसको ज्यादा से ज्यादा मेरे हिसाब से 30-35 दिनों तक हम आराम से इसको यूज कर सकते हैं, यदि हम इल्ली वगैरह से इसको बचा के रखें, थोड़ा हवा से पानी से थोड़ा इसको ढक के बचाव करके रखें, तो ये बेहतरीन तरीका है बढ़िया पशु। और मैं आपसे कहना चाहूंगा भी अगर ये कोई भाई मंगवाना चाहे तो इनका एड्रेस वगैरह कोई मोबाइल नंबर आप बता दीजिए हमारे को, भाइयों को पता चल जाए ताकि वो आसानी से मंगवा सकें, तो बताइए आप उनका एड्रेस। देखो जो लोकल हैं, जो हमारे यहाँ पे जो हमारे लोकल हैं, जैसे हमारा गांव 3 LLP तहसील सूरतगढ़ डिस्ट्रिक्ट गंगानगर नेशनल हाईवे 62 पे हमारा जो गांव है, हमारे यदि लोकल में है तो हमारे संपर्क कर सकता है, अदरवाइज चरणजीत जी यादव हैं वो वहाँ के जो डायरेक्टर हैं उस फैक्ट्री के, उनका नंबर है 9999798396। एक बार दोबारा से रिपीट कर दीजिए, 99997 98396। ठीक है, और इस नंबर पे संपर्क कर सकते हो और वो बिल्कुल जितना वाजिब उनसे हो पाएगा वो हेल्प करते हैं। ठीक है जी, उनको भी बताया कि आप आज आपके पास यदि कोई 10 काऊ है तो हम आपसे संपर्क करेंगे, तो आपका काम जैसे जैसे बढ़ेगा तो उनका भी कारोबार बढ़ेगा, और बिल्कुल हेल्पफुल आदमी है, कोई बात नहीं है। ठीक है, जितना आपको वो सस्ता हो बन पड़ेगा वो उतना उस व्हीकल के हिसाब से आपको सस्ता मिलेगा।